कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे लाइफ में कंफ्यूज हैं, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि वो पैसा कैसे कमाए, क्या करें। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो आपके लिए ये रास्ता नहीं है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। भूल जाओ कॉजलेस हैप्पीनेस को, आपको मिल ही नहीं सकती जब तक कि अपनी उन फैमिली की जरूरतों को आप पूरा नहीं करोगे। तो आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग अगर मैं होऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं काम करूंगा, कोई भी काम, कैसा भी काम। अगर जॉब नहीं मिल रही, 10 जगह गया जॉब नहीं मिली, 100 जगह जाऊंगा, 1000 जगह जाऊंगा, 5000 जगह जाऊंगा, जॉब मिली नहीं रही, अरे कोई बात नहीं, एक चाय बेचने की दुकान लगा लूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, खाली नहीं बैठूंगा किसी भी हालत में। यह है पहली स्टेज। आपको समझना है कि आप कौन सी स्टेज में हैं, कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो ये स्पिरिचुअलिटी और ये सारी बातें बकवास हैं। ये सब बातें तब काम की है जब पेट भरा हुआ हो, कि आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं लाइफ की। घर में सब लोग रो रहे हैं, सब परेशान है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और आप बात कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की, सब बकवास है, बकवास है मेरे भाई, इन चक्रों में मत पड़ जाना अभी से। तो पहला स्टेज क्या है जो मैंने आपको बताया? काम करो। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलानी पड़ रही है, चलाओ ना, क्या बुराई है, खाली क्यों बैठना है? मेरे पास में तो डिग्री है, मैं ये काम कैसे कर लूं? डिग्री का अचार डालो, डिग्री को फाड़ो, उसका अचार बनाओ, खा जाओ और ऑटो चलाओ। अगर कहीं काम नहीं मिल रहा तो भूल जाओ उस डिग्री को, वो पास था। अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये है पहली स्टेज। अब है दूसरी स्टेज, कि अगर आपके पास में उतना मिल गया है जितना आपको चाहिए और उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको शेयर करना शुरू कर दो। जब तक ये नहीं करोगे, खुशी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके आसपास जाना तो दूर, उसको कभी उसकी झलक भी नहीं देख पाओगे, पता ही नहीं होगा खुशी है क्या। बस एक जैसे एक बड़ा सा जॉइंट व्हील होता है ना, उसमें घूमते रहेंगे। कभी कोई आप लोग जॉइंट व्हील में बैठे हो, एक बड़े से जॉइंट व्हील में क्या होता है, जब नीचे जा रहा होता है वो ऊपर जा रहा, हा 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 पेन प्लेजर, पेन प्लेजर, पेन प्लेजर, घूमते रहो, चक्री से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो पैसा है, खुल के शेयर करो, पूरे दिल से शेयर करो, बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए। जब आप ये करने लग जाते हो, फिर अगली स्टेज आती है जब आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। और मेडिटेशन करनी नहीं है, मतलब कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है, उसको बोलते हैं रियल मेडिटेशन। ध्यान दो, और मेडिटेशन सिर्फ बैठ करके 20 मिनट मेडिटेशन करने का नाम नहीं है। लाइफ में ऑब्जर्व करो, जो काम आप करना चाहते हो जब उसमें एक्सीलेंस को अचीव कर गए तो लाइफ को ऑब्जर्व करो, देखो कि लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, जड़ क्या है, गहराई से लाइफ को समझना है। और जब वो समझ आता चला गया तो आप स्थिर हो जाओगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा डर खत्म, सारा लालच खत्म, आजाद, पूरी तरह से आजाद, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, किसी चीज का कोई डर नहीं, चाहे वो कोई इमेजिनेशन हो हमारे अंदर या बाहर कोई चीज, कोई डर नहीं, चाहे कोई आए या जाए, कोई डर नहीं। और वो स्टेट क्या है? कबीर का मैं एक दोहा आप लोगों को बोलूंगा, कमाल का है ये। एटलीस्ट ये बातें आपके अंदर तो जा रही है ना, अभी आप जिस भी स्टेज में हो, अभी तो फिलहाल वो काम करना है, फिर और आगे बढ़ना है, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, कभी ना कभी तो यहां पहुंचना है ना। तो जब आप वहां पहुंचोगे, या आप में से ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पैसे की और अपनी बेसिक नेसेसिटी से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो अब क्या चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने अंदर जाने से, इस जिंदगी को समझने से? कुछ नहीं। तो वो स्टेट क्या होगी, कैसी होगी? एग्जैक्ट इस दो लाइनों में वो स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है,
जो कबीर ने एक्सपीरियंस किया था, जो सबने एक्सपीरियंस किया जो भी उस स्टेट में पहुंचे, चाह गई चिंता मिटी, हर तरह की चाह गई, कोई चाह नहीं है, चिंता मिटी कोई चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, मन बिल्कुल बेपरवाह है, उड़ रहा है आसमान पंछी की तरह, जिसको कछु ना चाहिए, मतलब जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शाहनशाह। जिसको ना दुख के आने से डर लगे ना सुख के जाने से, जिस दिन आप इस स्टेट में पहुंच जाओ आप समझ गए कि मैं आसपास हूं, पास हूं।